गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इससे पहले भी एक हम लोग रिएक्शंस का वीडियोस बना चुके थे, जिसमें से आप लोगों को लगभग 24 रिएक्शंस वहां पे दिए गए थे। तो वो सारे रिएक्शंस आप बना लिए होंगे और उसका सॉल्यूशन का आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन आने वाला है। मैं कुछ दिनों के लिए वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट कंटेंट भी तो मुझे बनाना था। तो क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर भी नहीं आने वाला है दोबारा, एक रिलीज किया है वो सिर्फ आपको फॉर्मेट को बता रखा है, बाकी बात हम लोग को खुद ब खुद अपने से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसी चलते मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट यहाँ पे तैयार कर रहा था, जिससे आप उतना क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो एक रिएक्शंस का पार्ट हम लोग पहले ही बना चुके थे, उम्मीद है कि आपसे वो सारे रिएक्शंस बन गए होंगे। जो भी रिएक्शंस में आपको कंफ्यूजन हो या फिर जो आपसे नहीं बना हो, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो वहां पे आप सभी लोग अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का जो वीडियोस है, इसमें भी आपको मेजर मेजर यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने का चांसेस है। तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं बनाने की प्रयास किया हूँ। आप अगर इतना ही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, चैप्टर्स का रिविजन करना है और आपको मेरा जितने भी क्वेश्चंस है इसका प्रैक्टिस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी क्वेश्चंस में सबमिट हो जाते हैं, मतलब इंक्लूड कर दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी, ठीक है। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है, वो सारे यहाँ पे हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा, सब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और कौन कौन पूछने की चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता एकदम नहीं है, आप सिर्फ हम पे भरोसा रखें, आपका 100% रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ से रिजल्ट लोगों को अच्छा तरीका से मिल चुका था, वैसा ही आपका भी रिजल्ट यहाँ पे बेहतर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप अभी तक अगर गूगल फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं तो उसे भी सबमिट कर ले। अब ये गूगल फॉर्म क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में जाकर के देखेंगे तो वहां पर एक लिंक डाला हुआ है, पिन किया गया है, तो उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और वहां पे अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड को जरूर सबमिट कर लीजिएगा। उससे पता ये चलेगा कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कितने लोग हमसे प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आपका रिजल्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो आपका जितना मार्कशीट था, आपका नाम, आपका मार्कशीट, ये सारा चीज अपने चैनल पे एक बैनर छपेगा जिसमें से आप सभी का लिस्ट वहां पे दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं अपना अपना रिजल्ट्स में, मतलब कि अपना अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर और वहाँ पे रोल कोड, अपना नाम, फोन नंबर, ये सारे चीज वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, ताकि उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और उनका रिजल्ट्स अच्छा तरीका से वहाँ पे उनके फोटो के साथ अपने चैनल में डाल सके, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे चैनल से इतने लोगों का सिलेक्शन अच्छा तरीका से हुआ, जो कि बहुत अच्छा तरीका से रिजल्ट यहाँ पे फोड़े हैं, ठीक है। तो ये तरीका से अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी हिस्ट्री क्रिएट हो हमारे चैनल में, तो आप भी वहाँ पे जाए और गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर सबमिट कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी दिया है, और अगर आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते होंगे तो वहां पर भी बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आज जो हम लोग पार्ट टू में का जो वीडियोस है, इसमें भी हम लोग को प्रोडक्ट वगैरह लिखना है, कहीं कहीं हम लोग को रिएजेंट को डालना पड़ेगा, तो ये सारा चीज लेकर के क्वेश्चंस बनाया गया, तो आप इसको देखते जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप इसको नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आपको बार बार बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस को पहले खुद बनाने की प्रयास कीजिए, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, हो सकता है आपका कंसेप्ट उसमें वीक हो, तो ये सारे चीज का कंसेप्ट मैं बहुत जल्द क्लियर करूंगा। जैसे ही मेरा न्यू वीडियोस आएगा इसका सॉल्यूशन, तो उसमें सारा कुछ आपको समझा दिया जाएगा कि आखिर ये रिएक्शंस हुआ तो हुआ कैसे, इसमें किस तरह से जाना चाहिए था जिससे हमारा प्रोडक्ट ये बनता, ठीक है, इसमें क्या रिएजेंट डालना चाहिए था, तो ये सारे चीज आपको बताया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा हर चैप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चाहे वो 3 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना करके रेडी कर लिया गया है, सिर्फ आप सभी को प्रोवाइड करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो लग भी रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपका क्या होगा, पूरा 100% रिजल्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस आपका 5 नंबर में क्वेश्चंस पूछता है, और
साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव में भी जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारे आपका ऑर्गेनिक का कन्वर्जन रिएक्शन ये सारे वहां पे डाले हुए रहते हैं। तो वहां पर अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात अगर इस पीडीएफ का, अगर चाहिए आपको पीडीएफ के फॉर्म पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप कमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर भी आप जुड़ेंगे तो आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो वहां पर आप डाउनलोड करके इसको अच्छा तरीका से तैयार कर सकते हैं। हो सके तो आप इसको जीरोक्स भी कर सकते हैं ताकि आपके सामने रहेगा तो आप उसको प्रैक्टिस ज्यादा समय तक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था सारे चीजें। कंपलसरी है कि आप हमसे अगर जुड़े हैं आपको लाभ मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री क्रिएट करना, क्योंकि रिजल्ट तो आप फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा जरूर आएगा यहाँ पे। तो अगर आपका ज्यादा नंबर आएगा तो आप किसको दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए आप हमें यहाँ पे अपना गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, इससे आपका डेटा हमारे पास कलेक्शन हो पाएगा और उससे आपका रिजल्ट को हम दूसरों को शो कर पाएंगे। ठीक है, और इससे एक तरह से जो जूनियर स्टूडेंट है उसको प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम इस चैनल से जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि भैया दीदी सभी लोगों का रिजल्ट यहाँ से बेहतर हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये सभी चीजों को कर लेंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस को खुद से जरूर अटेंड करेंगे, तभी हमारा सॉल्यूशंस का वीडियो देखने आएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहां पे एग्जाम में जब बैठेंगे तो भी आप वही सब गलती करते रह जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि आपको 100% तैयारी भी करवाना है। तो इसी चलते आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे खुद को, तो ये सारी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइडलाइन देती रहता हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से बनाइए, चाहे आपसे कहे नहीं, यहाँ पे कितना क्वेश्चन था आपका, 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चंस है, तो हो सके इसका 50% ही अगर आपसे बनता है, 50% नहीं भी बनता कोई बात नहीं, कम से कम आपसे 50% तो बन गया ना। अगर वो सारे क्वेश्चंस अगर फिर से आपको मिल जाता है तो कम से कम उसमें फंसेंगे नहीं, बाकी जो 50% बचेगा उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, वहां से आप समझ पाएंगे कि अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इस तरह से उसका भी प्रिपरेशन कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% उसको बना पाएंगे और 100% आपका रिजल्ट भी हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे कहानी था। आप उम्मीद करते हैं कि, और देखो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये 10 मिनट का काम है या फिर 5 मिनट का काम है, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च करके अच्छा तरीका से कंटेंट दिया जा रहा है कि उतना ही कंटेंट आप पढ़े जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा तरीका से मार्क्स आ सके और वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। आप देखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम फाइनल होगा तो वहां पे जब क्वेश्चन मिलेगा उसको और हमारा क्वेश्चन को अगर आप मैच कीजिएगा तो पता चलेगा जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो हर एक क्वेश्चन आपका मेरा सारा क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते और इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके इतना क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज भी आपको सारा कुछ कंटेंट बनाया गया। आप भी समझ सकते हैं कि ये सारे चीज नोट्स करने में कितना समय लगा होगा, क्वेश्चंस बनाने में कितना समय लगा होगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त कि मेरा मेहनत इतना लग रहा है, आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल में अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो हमारे जी वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन आता है अब तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा नहीं तो आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसी चलते हर एक अपडेट के लिए और हमसे जुड़े हुए रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो तो फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।